हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन इनेलो ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की। पिछले बार के उम्मीदवार रहे जोगेंद्र मलिक पर ही इस बार इनेलो ने अपना दाव खेला है। इनेलो के महासचिव अभय चौटाला ने गोहाना पहुंचकर उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। अभय चौटाला ने खुद अपने प्रत्याशी का पर्चा भरवाया। इस दौरान अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करवाने की बात कही। इनेलो के उम्मीदवार भारी मतों से जीत का उन्होंने दावा किया। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो का उम्मीदवार इस सीट से 1977 से 2005 तक जीतता आया है। पिछले तीन चुनाव कम मार्जिन से हारा है। ये तो मीडिया ने प्रचार कर दिया कि ये हुड्डा का गढ़ है। अगर गढ़ होता तो पहले क्यों नहीं चुनाव जीता। मैं 100% आश्वस्त हूँ, ये टिकट मेरे को नहीं, ये बड़ौदा हल्का की 1,80,000 के लगभग मतदाता है, ये उन सभी को टिकट दी गई है। ये जोगेंद्र मलिक इसके लिए अकेला होनी है, 1,80,000 जो मतदाता है ये उनके विश्वास में ये टिकट दी है। और मुझे पूरा विश्वास है बड़ौदा हल्का की बड़ी बहादुर और समझदार जनता है, वोटर है यहाँ के। वो समस्याएं हैं, चिकित्सा की समस्या है, किसान के लिए सिंचाई के पानी की है, पीने के पानी की है, स्वास्थ्य की है, एजुकेशन की है। बड़ौदा हल्का में डेवलपमेंट का हुआ, समस्या ही की समस्या है। 5 साल का बीजेपी का कार्यकाल और 1 साल का ये जेजेपी बीजेपी के ठगबंधन का जो है कार्यकाल, ये बहुत ही बुरा समय निकला है। इस दौरान हल्के में कोई काम नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी और जेजेपी, मैं कहूँगा बीजेपी ने खासकर भाईचारा तोड़ने का काम किया।